हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, ट्रेन में सफर करते हुए आपने ये जरूर गौर किया होगा कि रेलवे के पैसेंजर ट्रेन की जो कोच होती है वो 24 से ज्यादा कभी नहीं होती, जबकि गुड्स ट्रेन के वैगन की संख्या 59 तक होती है। इस वीडियो में हम उन सारे रीजन के बारे में जानेंगे कि रेलवे 24 से ज्यादा कोच अपने पैसेंजर ट्रेन के लिए क्यों यूज नहीं करती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपको समझना जरूरी है कि लूप लाइन और मेन लाइन क्या होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक मेन लाइन से जोड़कर लेफ्ट साइड में एक दूसरी लाइन गई है, उसे लूप लाइन बोला जाता है, जिसका उपयोग जो स्लो ट्रेनें होती है उसको लूप लाइन में रोककर फास्ट ट्रेन को मेन लाइन से जाने दिया जाता है। भारतीय रेलवे में ट्रेन की लंबाई रेलवे के प्लेटफॉर्म की लंबाई पर निर्भर करती है। ट्रेन की लंबाई कभी भी लूप लाइन की लंबाई से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन को किसी भी स्टेशन पर रोकने के लिए इसी लूप लाइन में फिट होना पड़ता है, ताकि मेन लाइन को हमेशा क्लियर रखा जा सके किसी दूसरे ट्रेन को लाइन क्लियर देने के लिए। दूसरी बात की लूप लाइन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन के सभी कोच में यात्रियों को आसानी से चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म को कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता है। भारतीय रेलवे में लूप लाइन की न्यूनतम लंबाई लगभग 650 मीटर रखी गई है, इसलिए ट्रेन को लूप लाइन में फिट करने के लिए ट्रेन की लंबाई 650 मीटर से कम होना जरूरी है। दोस्तों, एक आईसीएफ कोच की लंबाई 22.28 मीटर होती है बफर से लेकर बफर तक, और एक एलएचबी कोच की लंबाई 24.7 मीटर होती है। अब मान लीजिए ट्रेन को वेब 7 लोकोमोटिव द्वारा पुल किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 20.56 मीटर होती है, बाकी सारे लोकोमोटिव इससे कम ही होते हैं। इस तरह से एक ट्रेन की टोटल लंबाई आईसीएफ कोच के लिए 22.28, उसमें अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें हम 20.56 लोकोमोटिव की लेंथ को जोड़ दें तो टोटल लंबाई 555.282 मीटर होती है, और एलएचबी कोच के लिए 24.70 अगर उसमें हम 24 से मल्टीप्लाई करके 20.56 मीटर को ऐड कर देते हैं तो 613.362 मीटर होती है। यही कारण है कि पैसेंजर कोच की संख्या 24 से अधिक नहीं रखी जाती है। अगर कोच की संख्या 24 से ज्यादा किया गया तो लूप लाइन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फिर गुड्स ट्रेन में 59 वैगन क्यों होते हैं। दोस्तों, गुड्स ट्रेन की लंबाई भी लूप लाइन की लंबाई से कम ही होती है। इंडिया रेलवे में यूज किए जाने वाले वैगन की लंबाई, जैसे कि बॉक्सन एचएल, जो कि 10.71 मीटर की होते हैं, जनरली इसमें 58 से 59 वैगन होते हैं, और जो कवर्ड वैगन होते हैं उनकी लंबाई 15.42 मीटर की होती है। इस तरह से ट्रेन की टोटल लंबाई बॉक्सन के लिए 10.71 इंटू इसमें अगर हम 58 से मल्टीप्लाई करके 20.56 मीटर लोकोमोटिव की लेंथ को ऐड कर दें तो ट्रेन की टोटल लंबाई 641.74 मीटर होती है बॉक्सन के लिए, और कवर्ड वैगन के लिए अगर हम 15.42 में 41 से मल्टीप्लाई करके 20.56 मीटर को ऐड कर दें तो टोटल लंबाई 653.15 मीटर होगी कवर्ड वैगन के लिए। इस तरह से अगर गुड्स ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई या लूप लाइन की लंबाई से कम है तो उसे लूप लाइन पे रखा जाता है, अदरवाइज उसे अक्सर मेन लाइन पे ही रोका जाता है। इस तरह से इस वीडियो में आपने इंडिया रेलवे में पैसेंजर कोच की संख्या 24 से ज्यादा क्यों नहीं रखी जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।